गुड इवनिंग और स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज हम फाइनली टोक्यो पहुंचने वाले हैं। सो अभी इस वक्त पे हम मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 पे हैं और रात के 11 बज गए हैं। सो टोक्यो पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले वो फ्लाइट लेके हनोई जाना है, जिस फ्लाइट की बोर्डिंग अगले 10 से 15 मिनट में गेट नंबर 73 से चालू होने वाली है। पर पता है मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि रात के 11 बज गए हैं। टोक्यो की एक्साइटमेंट की वजह से मेरे अंदर बहुत एनर्जी आ गई है। मैं बड़ा शौक हो गया भाई। याद है पिछले व्लॉग में हमने 70 रुपए के लिए एक पानी की बोतल खरीदी थी? नहीं भाई, वेंडिंग मशीन ज्यादा आंसर, 40 रुपए। प्लस पहले इस वेंडिंग मशीन ने मेरे 200 की नोट रिजेक्ट की, देन आई सॉ दिस। हम UPI से भी पे कर सकते हैं। यस, नाइस मीटिंग यू गाइस यार। थैंक यू। यहाँ पर तो एक मिनी मीटअप ही हो गया। VietJet के जो भी स्टाफ मेंबर्स थे वो भी सब्सक्राइबर्स निकले। 30 से 40 की सीट की बोर्डिंग चालू हुई है। हमारा सीट नंबर है 6A। उन्होंने मुझे अभी गुड न्यूज़ दी कि मेरे बाजू के जो भी 2 सीट्स है वो खाली है। शुड बी अ कंफर्टेबल जर्नी। प्लस 6A मतलब आई एम गेसिंग कि विंडो सीट है। विंडो सीट मिल गई है और मैं खुश हूँ कि मैं ये हैंडी चीज़ें अपने बैग के साइड पॉकेट में रखता हूँ। टेक ऑफ के पहले हम कॉन्टैक्ट लेंसेज निकालेंगे और थोड़ी सी सोने की कोशिश करेंगे। तो लकीली फ्लाइट बुक करते वक्त मैंने खाना भी बुक किया था। यहाँ पर है थोड़ी सी सब्जियाँ, चावल, एक काजू का पैकेट और कॉम्प्लीमेंट्री पानी। इंडियंस को खुश कैसे रखते हैं ये इनको एग्जैक्टली पता है। मील के साथ साथ गर्मा गर्म चाय। एक 4.5 घंटे की फ्लाइट के बाद हम पहुंच गए हैं हनोई। स्वागत है आप सभी का हनोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अभी यहां के अगर लोकल टाइम की बात की तो 6 बज गए हैं। और प्लेन में एक बहुत ही कूल मोमेंट हुआ। मुझे पता नहीं कि मेरे फ़ोन का जो लोकल टाइम है वो कैसे बदला, बिकॉज अप इन द स्काई कोई इंटरनेट कनेक्शन नहीं रहता और मेरा फ़ोन पुणे के टाइम पे सेट था, तो अचानक से 4:30 से 6 बज गए। पर अभी हमारा सुंदर से एयरपोर्ट पे 2 घंटे का लेओवर है और हम इस अराइवल बोर्ड का पीछा करते करते हमारे अगले फ्लाइट तक जाएंगे। लकीली एयरपोर्ट काफ़ी छोटा सा है, इसीलिए ज़्यादा रश नहीं करना पड़ेगा। यार मैं शब्दों में एक्सप्रेस नहीं कर सकता कि ये कितना ज़्यादा स्मूथ था। आप लोगों से बात करने के जस्ट बाद लेफ्ट का एक ऐसे बोर्ड दिखा, वहाँ पर एक बहुत ही पतली सी गली थी जहाँ पर एक ऑफिसर बैठे थे। उन्होंने मेरा पासपोर्ट देखा, अगले फ्लाइट का बोर्डिंग पास देखा और मुझे ऐसे आगे भेजा। और वहाँ पर एक बहुत ही सीक्रेट एस्केलेटर थी और मैं सीधा सिक्योरिटी चेक के पास पहुँच गया। और अभी हम फिलहाल इस एयरपोर्ट के डिपार्चर सेक्शन में बैठे हैं। हमारा गेट नंबर है 33। ये देखो, ये है हमारी फ्लाइट VJ934 टोक्यो नारिता, गेट नंबर 33 ऑल सेट। यार मैंने सच्ची में इस मोमेंट का कितना इंतजार किया है पता है। जब भी मैं ऐसे पास में इस बोर्ड को देखता था और टोक्यो वाली फ्लाइट देखता था तो मुझे हमेशा ऐसे लगता था कि काश मैं भी एक दिन उस फ्लाइट पे होता। और आज वो फाइनली हो रहा है। वैसे अभी मुझे भूख काफ़ी ज़्यादा लगी है, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि इनमें से किसी रेस्टोरेंट में जाके कुछ खा लेते हैं। तो यार मैंने सोचा बेकार में रेस्टोरेंट में बहुत सारे पैसे खर्च करने के बजाय मुझे वहाँ पे सामने एक फ्रेश गार्डन का ऐसा आउटलेट दिखा, वहाँ से मैंने थोड़ी सी बेसिक चीज़ें उठा ली। एक पानी की बोतल, एक हैम एंड चीज सैंडविच और एक ट्यूना मेयो सैंडविच। फिलहाल इस वक्त पे भूख काफी ज्यादा लगी है, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि ये दोनों अभी खत्म कर लेता हूँ और मे भी फ्लाइट के लिए एक पैक करवा लेता हूँ। हमने प्लेन से एकदम बेस्ट व्यू के साथ एक बार सनराइज देख लिया, एक और बार एंजॉय करेंगे। ये कितना अच्छा है देखो ना, यहाँ पर इन्होंने बच्चों को खेलने के लिए जगह भी दिया। दिस इज इट, हम जापान जा रहे हैं। सो मुंबई से हनोई वाली जो फ्लाइट थी वो 4.5 घंटे की फ्लाइट थी। ये फ्लाइट 5.5 घंटे की है। उस फ्लाइट में नींद बिल्कुल नहीं मिली और मुझे नहीं लगता कि इस फ्लाइट में भी हम सो पाएंगे। बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत ही ज्यादा। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं ये कह रहा हूँ पर हम फाइनली पहुँच गए। ये तो देखो आते आते कमाल यार। मैंने इस मोमेंट का इतना ज़्यादा इंतज़ार किया है। पर स्वागत है आप सभी का नारिता इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। अभी हम जाके हमारी बैग कलेक्ट करते हैं और फिर आगे का प्लान मैं आप लोगों को समझाता हूँ। मेरे दिल में धक धक हो रहा है। मुझे कुछ मोमेंट्स पे ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ एक सपना है। यहाँ पर एक बड़ा बोर्ड भी है
वेलकम टू जापान। ऑल्सो मैं आपको ये बताना भूल गया कि हमने लेओवर की फ्लाइट क्यों ली। रीजन यह है कि दूसरे एयरलाइंस भी थे जो डायरेक्ट फ्लाइट्स ऑफर कर रहे थे, पर मुझे जिस प्राइस पे ये वाली फ्लाइट मिली आप यकीन नहीं करोगे, 28,000 रुपीज राउंड ट्रिप। अभी हम गैसिंग बाहर निकलने के पहले दो चीजें करने को बची है, बैग कलेक्ट करनी है और इमिग्रेशन क्लियर करना है। ओह माय गॉड, बाप रे गाइस, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, कुछ यकीन नहीं हो रहा। इवन लैंडिंग करते वक्त मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि हम एक्चुअली आ गए। सो इमिग्रेशन हो गया है, उन्होंने पासपोर्ट पे ये छपवाया। गाइज हमारी बैग दिख गई है, अभी हम बेल्ट नंबर B1 से बैग कलेक्ट करेंगे, ये देखो ये वाली। सो हमने यहाँ से अभी एग्जिट किया, इमिग्रेशन हो गया, कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म हो गया। अभी हमें ये सर्च करना है कि करेंसी एक्सचेंज कहाँ पर है। हाय हाय, करेंसी एक्सचेंज की जगह मिल गई है। बस चीज ये है कि एक्सचेंज करने के पहले हमें ये फॉर्म फिल आउट करना पड़ता है, एकदम सिंपल फॉर्म है, कितनी करेंसी एक्सचेंज करनी है एक्सेट्रा। हमें USD एक्सचेंज करवानी है तो हम इस पे सर्कल करेंगे। इंतजार वैसे काफी करना पड़ा, पर इवेंचुअली आधे घंटे के बाद हमें हमारी करेंसी मिल गई है। जापान में येन चलता है जो कुछ इस प्रकार का दिखता है, और फनी पर इनकी जो हाईएस्ट कॉइन डिनोमिनेशन है वो 500 येन है। 500 येन मतलब करीब 300 से 400 रुपए। काफी फैसिनेटिंग लगा क्योंकि हमारे यहाँ पे 10 रुपए के सिक्के होते हैं मैक्स। अब हम जाने वाले हैं और ट्रेन पकड़ने वाले हैं, जापान का पहला ट्रेन एक्सपीरियंस। ट्रेन स्टेशन है लेफ्ट को, ऊपर जाता है टर्मिनल 3। माय गॉड, अब यहाँ से हमें फिगर आउट करना है कि टिकट कहाँ खरीदे। सो नारिता एक्सप्रेस करके एक ट्रेन है जो सीधा शिंजुकु स्टेशन जाती है, हमें वो पकड़नी है। यहाँ पर मैंने एक चीज नोटिस किया कि बोर्ड्स बहुत ही ज्यादा है, इसीलिए गुम होने के चांसेस 0 है। सो यहाँ पर हर ट्रेन के लिए अलग अलग वेंडिंग मशीन और काउंटर्स है। हमें जो ट्रेन लेनी है वो है नारिता एक्सप्रेस, इसीलिए इसका टिकट हम यहीं से खरीदेंगे। बाकी के जो भी लाइन्स है उनके टिकट काउंटर्स अलग अलग है। सो इस टाइप का एक मशीन रहता है, इंग्लिश रिजर्व सीट एक्सप्रेस। 3,000 येन यहाँ से कितना पैसा निकलेगा। सो ये था हमारा पहला ट्रेन टिकट एक्सपीरियंस। काफी अच्छे क्वालिटी का टिकट है, पेपर ही है पर इसके ऊपर एक प्लास्टिक कोटिंग है। टर्मिनल 2 और टर्मिनल 3 का स्टेशन। ओके, तो टिकट यहाँ से ऐसे बाहर निकलता है। तो ये है हमारी ट्रेन, फिगर आउट करना कि कौन से प्लेटफॉर्म पे आ रही है। सो अभी 5:12 हो गए हैं टोक्यो के टाइम के अनुसार, और हमारी ट्रेन निकलती है 5:20। 8 मिनट है, प्लेटफॉर्म ढूंढना है, ऑलरेडी एडवेंचरस लग रहा है। सो ये है जापान की फेमस अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम, यहाँ से आई थिंक ट्रेन आ रही है, मुझे आवाज तो आ रहा है। देखो वहाँ से एक ट्रेन जा रही है। सो उस साइड पे दूसरे प्लेटफॉर्म्स भी है, जो मैंने आपको अलग अलग लाइन्स दिखाए थे ना, तो वो दूसरी लाइन्स की ट्रेन वहाँ से जाते हैं। वाओ, नारिता एक्सप्रेस, इससे हम जाएंगे शिंजुकु। माय गॉड, गूज़बम्स। कहाँ पर खुलेगा? ओ वाओ, दिस इज द फ्यूचर। सो हमारा पहला जापान रेल एक्सपीरियंस। माय गॉड, मैं बस थोड़ी देर के लिए अपनी सीट से उठ के यहाँ इस विंडो के यहाँ पर आ गया, बहुत ही अनरियल है। यहाँ पर आपको जो दिखता है वो एक लगेज कंपार्टमेंट एरिया है, तो ये जो भी ओवरसाइज लगेज रहता है वो आपके सीट के रखने के बजाय यहाँ पर उन्होंने जगह दी है। पर यकीन ही नहीं हो रहा कि हम एक्चुअली जापान में हैं। इसके पहले मैंने YouTube पे इतने सारे वीडियोस देखे थे, बट टू एक्चुअली एक्सपीरियंस इट इज अ डिफरेंट थिंग। तो गाइज अभी हम टोक्यो स्टेशन पहुंच गए हैं, अगला स्टेशन होगा हमारा स्टेशन, हम शिंजुकु पे उतरेंगे। ये जो ट्रेन है नारिता एक्सप्रेस, इसके इन टोटल 12 बोगी नंबर्स है, पर बोगी नंबर 1 से लेके 6 टोक्यो स्टेशन पर अनकपल होते हैं और वापस स्टेशन पे चले जाते हैं। हम अभी बोगी नंबर 9 में हैं, सो हम जाएंगे शिंजुकु तक। शिंजुकु स्टेशन पहुंच गए गाइस। तो स्टेशन के अंदर ही बहुत सारी बेकरीज है, खाने के लिए जगह है, पर क्या आपने एक चीज रियलाइज की, अभी हम सिर्फ एयरपोर्ट और ट्रेन स्टेशन के अंदर घूम रहे थे, एक्चुअल सिटी को अभी तक हमने एक्सपीरियंस नहीं किया है। सो एग्जिट हमें मिल गया है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। एक और बार टिकट डालना पड़ता है एंड वी आर आउट। ओ माय गॉड,
गाइस ये अनरियल है, ये अनरियल है। यहाँ पर देखो शिंजुकु एकी, ये शिंजुकु स्टेशन है भाई। ये कुछ ज्यादा ही डेवलप्ड है, अभी तक सिर्फ एनिमे शोज में यूट्यूब वीडियोस में ये सब देखा था, पर खुद के आंखों से इन सारी चीजों को एक्सपीरियंस करना इज वाओ। इस पूरे रोड पे बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, वहाँ पर यूनिक्लो दिखा था, यहाँ पर जारा, आई थिंक ये पूरा इनका शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट ही है। और हमारा हॉस्टल यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है। देखो इतनी बड़ी कैमरा की दुकान, ऐसा लग रहा है किसी ने मुझे सीधा एनिमे में छोड़ दिया। वो देखो वहाँ से ट्रेन जा रही है। यहाँ मैंने नोटिस किया है कि हर एक क्रॉसिंग के लिए एक सिग्नल होता है पेडेस्ट्रियंस के लिए, उसके बिना आप क्रॉस ही नहीं कर सकते। चेक इन करने से पहले ऑन द वे एक फैमिली मार्ट स्टोर मिला, वहाँ से 2 लीटर पानी उठा लिया, सुबह से कुछ पानी नहीं पिया, एक क्रिस्पी क्रीम भी दिख गया। गाइज हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। ये है हमारे हॉस्टल की गली, जो भी मैंने आप यहाँ से अगर सीधा जाके एक राइट टर्न लो तो एक ट्रेन स्टेशन आता है, पर ये बहुत ही नया है। इतने शान से गली में भी बहुत ही ब्राइट वेंडिंग मशीन्स है। इतना सारा पसीना बहाने के बाद हम फाइनली हमारे हॉस्टल तक पहुंच गए हैं, द ग्लोबल होटल टोक्यो। यो याको गारिमास। तो गाइस चेक इन हो गया है, अब जल्दी से शावर करते हैं। शावर करने के लिए यहाँ पर ऐसी छोटी सी जगह है, और इन्होंने इस बैग में टॉवल भी दिया है, और यहाँ पर इस्तेमाल करने के लिए बॉडी वॉश, शैम्पू और कंडीशनर। नहा लिया है, अब यहाँ पर इस कॉमन वॉशरूम एरिया में हम दाढ़ी करेंगे, फ्रेशन अप होएंगे एंड लेट्स हेड आउट। ओके गाइस नहावा के फ्रेश हो गया हूं, अब निकल रहे हैं हम सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए। मैंने नोटिस किया है इनके सिस्टम्स बहुत ही अलग रहते हैं, यहाँ पर इनके पास एक कॉइन लॉकर सिस्टम है आपके लगेज के लिए। सो अभी हम इस वक्त पे जिस जगह पे है उसे काबू किचो कहते हैं। ये जो भी एरिया है ये शिंजुकु का सबसे फेमस शॉपिंग और फूड डिस्ट्रिक्ट है। तो ये देखो मेरे चारों ओर बहुत ही अलग अलग लाइट्स लगे हैं, द होल प्लेस हैज कम अलाइव। और यहाँ आप किधर भी देखोगे हर जगह रेस्टोरेंट होंगे। लुक एट दैट, रात को कम्प्लीटली डिफरेंट जगह बन जाती है। डिनर आ गया है, हम यहाँ का पहला रामेन ट्राई करेंगे। हर टेबल पे ऐसे साइड में इन्होंने एक डब्बा रखा है जिससे आप चॉपस्टिक्स ले सकते हो, और यहाँ पर थोड़े से कॉम्प्लीमेंट्री सॉसेज। जापान से ऑथेंटिक रामेन ट्राई करना ये मेरे बकेट लिस्ट पे था। बहुत ही टेस्टी है गाइस।